ओम साई राम। आज साई वेब टीवी शिरडी के मार्फत रामनवमी उत्सव के कार्यक्रम में एक समकालीन साहित्य चंद्रकला भाई बोरकर, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे, इधर द्वारका में मस्जिद है। बाबा ने अपना जीवन यहाँ 60 साल बिताया था। बहुत सारे चमत्कार लोगों को अनुभव जो आए, उसी तरफ सब साई भक्त दुनिया से बाबा से जुड़ गए। ऐसे ही एक साई भक्त थे चंद्रकला भाई बोरकर, उनके जो हस्बैंड थे वो पंडरपुर में सिविल इंजीनियर थे अंग्रेजों के जमाने में। वहाँ एक ब्रिज का काम चालू था, उसी माध्यम से चंद्रकला बोरकर पंडरपुर से आना जाना चालू था। वो बॉम्बे के रहने वाले थे और एक दिन उसको बाबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली, तो बाबा को मिलने के लिए शिरडी आई। तो जब बाबा के पास आई यहाँ, तो द्वारका में बाबा दोपहर को 1:30 बजे जो जितने साई भक्त आए थे उनको प्रसाद खिला रहे थे, उसके टाइम चंद्रकला भाई बोरकर बाबा से मिली, आशीर्वाद लिया और बोली कि बाबा मैंने आपके बारे में बहुत सारे किस्से सुने हैं, बहुत लोगों का अनुभव, आपने लोगों के साथ कैसे चमत्कार किया है, ये सुन के मैं आज बॉम्बे से पंडरपुर और पंडरपुर से शिरडी द्वारका में आपके पास आई हूँ। बाबा आपको मिलके मैं मेरा जीवन आपके सेवा में पूरा समर्पित करना चाहती हूँ। इसी माध्यम से जब दिवाली के दिन बाबा ने यहाँ पानी से दिए जलाए थे, तो उस समय चंद्रकला भाई बोरकर ये विटनेस थी द्वारका माई के पास। मेरे बैक साइड पे आप 9 नंबर का शॉप देखेंगे तो जो नंदालाल मारवाड़ी है उनका है, जो बाबा ने दिया में तेल नहीं दिया था दिवाली के दिन, जो मैजिक किया था बाबा ने दिवाली के दिन, तब उस समय की जो विटनेस थी वो थी चंद्रकला भाई बोरकर। ऐसे बहुत समय वो यहाँ शिरडी में रही। लक्ष्मीबाई शिंदे के घर पे उनका खाने का रहने का इंतजाम था, भाईजामाई के ताते पाटिल परिवार के पास भी उनका रहने का था। चंद्रकला भाई बोरकर बाबा को मिलने के लिए हमेशा आती थी, एक एक महीना 15-15 दिन यहाँ रहती थी, बहुत सारी सेवा करी थी। दिवाली के बाद ये 1.5 महीने के बाद बाबा का जो बैक साइड का एक दांत होता है वो टूट गया था, और उन्होंने चंद्रकला भाई बोरकर को गिफ्ट करके बैक साइड का 2 नंबर का दांत बाबा ने चंद्रकला भाई बोरकर को गिफ्ट करके दिया था। बॉम्बे में वो कुरला स्थित रहते हैं, उनके पास आज भी बाबा का जो 2nd नंबर का बैक साइड का दांत है वो मौजूद है उनके घर पे। बाद में बहुत साल रहने के बाद भाईजामाई गुजरने के बाद तात्या पाटिल जो बाबा के प्यारे भक्त है उनका कोई संतान नहीं थी, और चंद्रकला भाई बोरकर इनको भी कोई संतान नहीं थी। तो इसी दरमियान एक दिन चंद्रकला भाई बोरकर ने बाबा को विनती की कि बाबा आप तात्या कोते से इतना प्यार करते हो लेकिन उनको कोई संतान नहीं है। तो उस टाइम बाबा ने द्वारकामाई में जो धुनी जलता है उसकी विभूति लेके चंद्रकला भाई बोरकर और तात्या पाटिल कोते जो साई भक्त थे उनको दिया, और चंद्रकला भाई बोरकर को बोले कि आपको भी संतान होगी और तात्या पाटिल कोते को भी संतान हुई। जब बाबा की उदी लेते प्रसाद लेने के बाद 1 साल के बाद चंद्रकला भाई बोरकर को एक लड़का हुआ बाबा के आशीर्वाद से। उस समय चंद्रकला भाई बोरकर की जो उम्र थी वो 56 थी। 56 के उम्र में चंद्रकला भाई बोरकर को लड़का हुआ था, उसका नाम था राजा पाटिल, राजाराम। ऐसी सेवा बाबा के दुआ से उनको लड़का भी हुआ था, और उन्होंने लास्ट तक बाबा की सेवा करती थी, हमेशा सीढ़ी आती थी। ऐसे बहुत सारे किस्से बाबा से कहानी के साथ जुड़े हैं। नमस्कार, ओम साईराम। मैं राजेंद्र चिंदे, साईवेब टीवी शिरडी प्रतिनिधि।